जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। लेकिन दुख किस बात की होती है कि रिजल्ट में इतनी देरी क्यों की जा रही है, क्योंकि आप सभी का मांग है और आए दिन आप सभी YouTube पर यही देखते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्या मामला चल रहा, लेकिन मामला इतना आप जान लीजिए कि विभागीय स्तर पे काम तो हो रहा है, लेकिन वो काम आपके समक्ष दिखाई नहीं दे रहा। आए दिन आप लेटर भी देख रहे हैं, ये शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया लेटर है। यानी इस लेटर में इतना ही कहा गया है कि जितने भी पदाधिकारी गण है, इस लेटर का सार आपको बता दे कि पदाधिकारियों का छुट्टी रद्द कर दिया गया है, इसलिए चूंकि इस बहाली को कंप्लीट काम करवाना है। इस लेटर में यही बात है। ये मतलब शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग को लिखा गया। यानी 38 जिला के जितने भी शिक्षा पदाधिकारी हैं, डीपीओ डीईओ, उनको लेटर लिखा गया बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से और कहा गया कि आप निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य कर्मियों को अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था के अंतर्गत उन्नति देने, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के योगदान की तैयारी करने, यानी जो बीपीएससी का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद जो आपका योगदान लिया जाएगा, तो योगदान किसी विद्यालय में जाएंगे उसके लिए तो पूरा डाटा तैयार किया जाएगा, है ना। तो इसी कड़ी में लेटर पे लेटर आए दिन निकलता है। इस लेटर को पूरा मत पढ़िए, पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा होगा। इतना ही आप जान लीजिए, विभागीय स्तर पे काम चल रहा है, लेकिन मेरा नहीं, आप सभी के द्वारा मेरा भी एक ही मांग है कि आप रिजल्ट में देरी क्यों कर रहे हैं। आदरणीय अतुल प्रसाद जी से मेरा एक ही मांग है, तो बिहार के प्रदेश के अभ्यर्थियों की तरफ से, कि आप रिजल्ट में देरी ना करें। चूंकि आपने बोला था कि मिड मिड अक्टूबर, आज तो 15 अक्टूबर है, कम से कम देने का प्रयास कीजिए। ये आधा अक्टूबर बीत चुका है, आधा बाकी है। मुझे पता है कि इस महीना में आप रिजल्ट जारी करेंगे, लेकिन आप डिक्लेयर कर दे कि इस डेट को हम कर देंगे, जिससे बच्चों में उत्साह का भावना हो। और उससे पहले आप सभी को हम बता दें कि आज दुर्गा पूजा, नवरात्र का आज पहला दिन है, और माता रानी माँ सभी के घर में खुशियां लावे। आप जो भी मन में सोचे वो आपके आपको पूर्ण हो जाए। तो ये विभागीय स्तर पता हो, मैंने बताने का प्रयास किया। तो लेटर पर लेटर जारी किया जा रहा है, लेकिन रिजल्ट का पता नहीं है। तो मुझे रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट दे। सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला गया, क्या नहीं गया, ये आप सभी जानते हैं। मैं उस पर नहीं बोलूंगा, उस पर बोलना भी मेरे लिए बेवकूफी ये होगी, चूंकि ये मामला बढ़ जाता है ना। आजकल तो हमें भी टारगेट किया जा रहा है, लेकिन आप सभी ने बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और हम भी आपसे एक चीज सीखे, अपने आप को सर धीरज बनाइए, धैर्यवान बनाइए, बोलने दीजिए बोलने वाले क्या बोलते हैं। तो आप सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक चीज मैं आपको बता दूं। देखिए, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट जो ही आएगा तो आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इस चीज के लिए आप तैयार हो जाइए। और डीवी के लिए आपको मैं बता दूं, आप जितने भी डॉक्यूमेंट है, आप अगर कहेंगे तो डॉक्यूमेंट पर वीडियो बना दूंगा हम। लेकिन फिलहाल जान लीजिए, आपको समय नहीं मिलेगा। आप सारे डॉक्यूमेंट को रेडी कर लीजिए अभी से, डॉक्यूमेंट पर बोलिएगा तो वीडियो बना देंगे, ठीक है। यही कहना था। और एक दो प्रश्न ये था, अपियरिंग वाले जितने भी सीटेट, सीटेट अपियरिंग में दिया या डीएलएड अपियरिंग में, सेकेंड ईयर में दिया था एग्जाम बीपीएससी वाला, तो आप सभी को बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको अगर सीटेट अपियरिंग था तो आपको एडमिट कार्ड वहां दिखाना होगा। और दूसरा, डीएलएड के सेकंड ईयर में थे तब बीपीएससी दिए, तो आपको डीएलएड सेकंड ईयर का भी एडमिट कार्ड वहां मांगेगा। तो आप सही से रख लीजिए, अगर खो गया है तो ये बहुत बड़ी गलती है। फिर बोलिएगा सर सीटेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अभी तक अपलोड नहीं हुआ, तो उसकी चिंता आपको नहीं करना है, वो शिक्षा विभाग विभागीय स्तर पर आपके लिए है। अब तो इतना मौका दिया, सीटेट अपियरिंग को मौका दे दिया, डीएलएड को दिया, बहुत अच्छी बात है। तो आपके लिए सोच रही है शिक्षा विभाग, तो बिल्कुल परेशान मत होना। जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया ऑनलाइन फॉर्म भरने के वक्त, वही सारा डॉक्यूमेंट आपको वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिखाना होगा। इसका अलग से वीडियो भी बनाएंगे। और आवासीय जाति आय, जो भी फर्जी अभ्यर्थी, फर्जी हम उनको बोल रहे हैं जो फर्जी तरीके से आवासीय बनवा लिए हैं, तो आप सावधान हो जाए। या कोई भी डॉक्यूमेंट फर्जी तरीके से आप बनाए हैं, जैसे एसटीईटी का मामला भी चला हुआ है, एसटीईटी दिए नहीं और 9वीं 10वीं में वो बैठ गए, तो उनपे भी कलम चलेगा, तो सावधान हो जाए। अतुल प्रसाद जी ने तो बोला ही है, जो गलत तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं लेकिन डीवी में अलग डॉक्यूमेंट मिला है, तो उनपे कार्रवाई की जाएगी। यही सारी बात है और कुछ नहीं कहेंगे। विभागीय स्तर पे काम चल रहा है, लेकिन रिजल्ट के लिए आपको वेट करना ही होगा। आपको जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको हम बताएंगे। और आप सभी को हम फिर से बता दें, अब आपके सामने हम होगा तो पढ़ाना भी स्टार्ट आप कर देंगे आप। तो आप सभी अगर जहां से भी पढ़ना चाहे पढ़िए। और बुक के लिए आपको हम बता दें, आप जो भी बुक से पढ़ रहे हैं, जिस भी कम
पब्लिकेशन का आप पढ़िए, आप खुद समझदार है, ठीक है। आप जो मेरा अपना मनसा, अपना मेरा थिंकिंग है, अगर बुक लेनी चाहिए तो करंट पब्लिकेशन का बुक आप देख सकते हैं, मैथ हो जो भी सामाजिक विज्ञान हो, आप अच्छा बुक है, क्वेश्चन भी बढ़िया आता है, तो आप अपने स्तर से देखिए। और भी बुक का कहेंगे तो उसको अपने स्तर से आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो आप पढ़ाई में ध्यान लगा दीजिए, चूंकि 6ठी से 12वीं का भी बहाली आना तय है, जान लीजिए आप, ये बहाली लगभग 70,000 पदों पे होगा, समय नहीं मिलेगा। और आप लोग पढ़ भी गए हैं और पढ़ते भी गईगा, फालतू बातों में बिल्कुल नहीं गईगा, दुर्गा पूजा का समय है, समय व्यतीत इधर उधर नहीं करना है, इतना ही आप जान लीजिए, है ना। और हम भी आपको नहीं बोलेंगे पढ़ने के लिए, चूंकि ज्यादा बोलना बेवकूफी है, मेरे लिए बेवकूफी है। हाँ, मेरा काम होता है आपको बताना, इंसिस्ट करना, मोटिवेट करना, ठीक है। और खूब मन लगा के पढ़िए, धन क्या कहते हैं, और माता रानी आपके जीवन में जो रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट आवे, है ना। और चलिए, और कोई 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 खास तो है नहीं, आज के वीडियो में इतना ही, जय हिंद। हाँ, लेटर वाला बात जो इसलिए बोले हैं, चूंकि विभागीय स्तर पे काम चल रहा है, तो इसका मतलब है कि रिजल्ट, चूंकि छुट्टी रद्द कर दिया गया, सभी का छुट्टी रद्द कर दिया गया, पदाधिकारी लोग का, इसका मतलब है काम तो होगा। अब रिजल्ट फिर यहाँ बोलेंगे सब बीएड और डीएलएड एक साथ आएगा, ये कोई नहीं बता सकता है, अभी बिल्कुल नहीं बता पाएगा, है ना। मामला गंभीर है, जो भी होगा आपको सब पता चल जाएगा कुछ दिन में कि रिजल्ट कैसे क्या आया, और आज लास्ट डेट है किस चीज का, ओएमआर डाउनलोडिंग करने का, ये भी आप जान लीजिए, जैसे ही ये कंप्लीट हुआ इसके बाद आपका जारी हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।